कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आए तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, पहले रिया बहुत ही एक ऑब्सेसिव लवर थी और पागलपन की हदें सारी पार कर दी थी उसने, और अब वो थोड़ी मैच्योर हो गई है, थोड़ा सोच समझ के बोलती है और समझती भी है कि रणबीर एक्चुअली प्राची का है और प्राची को प्यार करता है, अभी भी उसके मन में प्राची ही है, तो वो मना कर देती है शादी के लिए. सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ मैच्योर डिसीजन. ऐसे कभी भी नहीं हुआ होगा कि रिया ने खुद से कभी मना किया होगा, जबकि पूरा परिवार अब उसके साथ है. तो ये काफ़ी एक मैच्योरिटी आ गई है 6 साल बाद. मुझे भी अच्छा लग रहा है कि फाइनली देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. और जैसे रियलिटी में होता है, हर कोई बदलता है, कभी कोई भी 100% अच्छा नहीं होता, 100% बुरा नहीं होता, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है. तो अब ये रिया की अच्छाई उभर के आई. आपकी रीएंट्री के बाद आपने एक बच्चे के साथ शूट करना स्टार्ट किया है. बच्चों के साथ हमेशा अच्छा लगता है, एक अलग दुनिया होती है, बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आता है. कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता, पता नहीं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मुझे मेरे पास पेशेंस भी है और मुझे मज़ा भी आता है उनके साथ. मैं भी कभी कभी बच्चा बन जाती हूँ और उसको मैं कभी कभार मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछती तब वो मुझसे दूर भागती है. मेरी बहुत बुरी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैथ सबको आना चाहिए, तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ थोड़ा बहुत. बट वो बहुत प्यारी है और हम बहुत मस्ती करते हैं, रील्स भी बनाते हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आता है. तो ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी खैर ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था कि रिया ने मना कर दिया था शादी के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था मेरे लिए भी और शायद ऑडियंस के लिए भी. आगे प्राची और रणबीर भी कैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, शादी तो होने वाली है किसी की, इतना मैं बता सकती हूँ, अब किसकी आप ये सोचिए. और आपके लुक में पहले जो आपका एक आपके सेंट्री हुए लीड के बाद, उसमें आपका लुक डिफरेंट था, आपका लुक डिफरेंट है, उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? हाँ, तो 6 साल बीत चुके हैं, तो 6 साल बाद काफ़ी एक मैच्योरिटी आ गई है. अब हम साड़ी पहनने लगे हैं, पहले सलवार कमीज पहनती थी और अब एक बिंदी भी है, थोड़ा सा इंडियन लुक ज़्यादा है, सभ्य ज़्यादा हो गई है. और लास्टली आप अपने ऑडियंस के लिए, अपने कुमकुम भाग्य के फैंस के लिए आप क्या मैसेज? थैंक यू सो मच फॉर लविंग कुमकुम भाग्य. आपके वजह से ये रिकॉर्ड बना है. अभी प्रज्ञा, उनका भी यू नो काफ़ी योगदान रहा, पूरा देव कैरीड द शो. आई मीन रणबीर एंड प्राची हैव कैरीड द शो फॉरवर्ड, और उन्होंने एक यू नो स्टार्ट किया था, इतने सालों के लिए काम किया था ऑन दिस शो, तो सबका साथ रहा और आपका सबसे बड़ा साथ रहा ऑडियंस का. तो थैंक यू सो मच ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए और हमारे शो को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए. तो कास्ट चेंज होती रहती है, अब न्यू थोड़े से और लोग आ गए हैं, और लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है प्यार. मैं आपको बता दूँ, इस सेट पे आप कभी भी आओगे और कोई भी आता है, कभी कोई यू नो 2 दिन के काम के लिए आता है या 4 दिन के काम के लिए आता है कोई और शो से, तो वो हमेशा बोलते हैं नहीं, आई जस्ट विश कि थोड़ा सा और लंबा यहाँ पर रुक जाए. और मैं खुद भी ऐसा चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत प्यारे हैं, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है. शायद इस वजह से ही ये शो, इस शो को 9 साल हुए हैं, एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है बालाजी के लिए भी और जी टीवी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है, इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं और पूरा मतलब कास्ट ही नहीं, सब एक्टर्स ही नहीं, पूरे क्रू में सारे लाइटमैन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, मेकअप, एवरीबडी इज़ लाइक वन बिग फैमिली.